two made in India vaccines. Negligible, negligible. उससे भी कोई नीचे कोई टर्म हो तो वही इस्तेमाल करनी चाहिए. साइड इफेक्ट्स एंड सीरियस साइड इफेक्ट्स प्रैक्टिकली निल. दिस आई थिंक इज अ हाईलाइट दैट वी वुड लाइक यू टू टेक फॉरवर्ड एंड दैट शुड लीड अस टू बिलीव दैट इफ वी आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू बी वैक्सीनेटेड एज पर द प्रायोरिटी लिस्ट विच वॉज डेवलप्ड इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड वॉज शेयर्ड at the highest level with the state leadership, then those of us who are fortunate to be listed to be receiving vaccination, please, we should not refuse. We should not refuse. There are two reasons, among others. One, when you receive vaccine, which is now assigned to you, you protect yourself and you can perform your functions without fear of contracting COVID. And we are talking about healthcare workers at this time in particular. You protect your family. I am wondering why we don't want to do it if there are these doubts. But also, once an individual is protected, the virus then cannot cross that individual. Conversely, if an individual who should have been protected because the vaccine was available to him or her does not take the vaccine, predisposes himself or herself to infection, then unki problem to unki hai, lekin he or she is a medium for spread of the virus, part of the chain of transmission. And therefore, I think we are not fulfilling our societal responsibility if a vaccine assigned to you is not being taken. Please understand, the whole world is clamoring for vaccines. जो हालात है थोड़ा इंटरनेशनल, कल अगर WHO EB की प्रोसीडिंग्स किसी ने सुनी हो, क्लैमरिंग बहुत बड़ा इशू है कि कैसे ये संभव हो पाएगा कि प्रायोरिटी ग्रुप्स को ही दुनिया भर में वैक्सीन लग जाए. और यहाँ पे वैक्सीन मिल गया, बना दिया देश ने, अपने दम पे बनाया, अच्छे बहुत अच्छे वैक्सीन बनाए, दो दो वैक्सीन बनाए, और व्यवस्था ने डोर स्टेप पे पहुंचा दिया. और फिर अगर हम नहीं ले रहे हैं तो ये, और पर्टिकुलरली हमारे हेल्थ स्वास्थ्य कर्मी, हमारे डॉक्टर्स नर्सेस ये डिक्लाइन कर रहे हैं, तो ये दुख की बात है. और मैं विनती करूँगा सरकार की तरफ से कि प्लीज़ अपनाइए, क्योंकि इस पैंडेमिक ने आगे क्या रूप लेना है ये किसी को मालूम नहीं है. हमें अपने नॉन कोविड सर्विसेज को शुरू करना है. उसको शुरू करने के लिए हेल्थ केयर वर्कर्स में ये मन में नहीं आना चाहिए कि मैं मुझे कोविड हो जाएगा. अगले कुछ ही हफ्तों में हम सारे ही हेल्थ वर्कर्स को कवर करने का प्रण कर चुके हैं. हफ्ते भी नहीं कहना चाहिए, दिनों की ही बात करनी चाहिए. इतनी प्रायोरिटी जो लगाई गई और जिस स्पीड से हो रहा है, ये 80 लाख या 1 करोड़ क्या है, कर लेना आप कैलकुलेशन. कुछ ही दिनों के अंतर्गत सारी स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो कोविड प्रूफ हो जाएगी. उससे हम बेधड़क होकर नॉन कोविड सर्विसेज को पूरा करेंगे, आउट पेशेंट चलाएंगे, सर्जरीज करेंगे. तो जब इतना बड़ा जिम्मेवारी और रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसमें भ्रम अपने आप को डालना ये ठीक बात नहीं. यू आर अवेयर दैट आई हैव टेकन कोवैक्सीन एंड आई हैव जीरो साइड इफेक्ट, ZDRO, nothing. It may not be same in everybody, but certainly the data, look at the data. Data shows that these both vaccines are safe. And look at the AFI surveillance system that has been perfected in our country. It hasn't come in the last 6 weeks. This description that you heard from Rajesh ji has been built over at least 2.5 decades, polio onwards and even before polio. Systematically bana hai. Uske dam pe keh rahe hain ki ye ek bada functional program hai aur best practices of the world, aur isme oversight WHO ka bhi hota hai, bhagidari bhi hoti hai. Uske base pe ek system bana hai. Uske upar hamari faith honi chahiye. और ये सिस्टम अभी तक हमारे बच्चों को, जब हमने रोटा वायरस वैक्सीन शुरू किया, न्यूमोकोकल शुरू किया, पेंटावेलेंट शुरू किया 8 साल पहले,
उससे बनते हुए हमारे बच्चों को वैक्सीन दिए गए और सेफ तरीके से दिए गए, ऐसे डाउट उस टाइम पे भी होते थे, आवाज़ कम उठती थी। तो प्लीज़ हैव फेथ दैट वी हैव अ सिस्टम टू ट्रैक इट, एंड इफ देयर इज़ एन अनयूजुअल सिग्नल इट विल बी रिस्पॉन्डेड टू, इट विल बी रिस्पॉन्डेड टू द वे इट शुड बी रिस्पॉन्डेड टू। ऐसी कोई सीरियस निकलेगी बात तो समझेंगे ना क्या करना है, व्यवस्था है। लेकिन जब है ही नहीं और इतना पुख्ता सिस्टम बना हुआ, इतनी कनेक्टिविटी से बना हुआ है, टच में है फ्रंट लाइन पे जाके, फिर क्यों हम डर जाएंगे? ये वैक्सीन हेजिटेंसी और वो स्वास्थ्य कर्मियों में होना जो है ये ख़त्म होनी चाहिए। प्लीज़ करके दिखाइए कैसे ये पेंडेमिक को हम लड़ेंगे। आप जानते हैं कि ऐसे ग्राफ, जैसे इतना गिरता हुआ ग्राफ 10,000 का हो गया और 137 डेथ की बात हो रही है, बहुत सारे देशों में ऐसे ही हो गया था, ये बड़ी अच्छी तरह से हो गया था और हम अभी तक ऐसे चले हुए और हम भी सोचते थे कि ये क्या है, हम कहाँ हैं, कितनी बुरी तरह से वो वापस आए। तो क्या हमें तैयार नहीं होना कि अगर वो इवेंचुअलिटी आ जाए तो, क्या हमें तैयार नहीं होना है कि हमारी हेल्थ सर्विसेज जो हैं अगले कुछ ही दिनों में कोविड प्रूफ वर्कफोर्स के साथ हम चलाएं? तो हमारी विनती है कि प्लीज़, और हेल्थ स्वास्थ्य कर्मियों ने इसको रोल मॉडल की तरह लेना है, अपनी व्यवस्थाओं में फेथ करके दिखाना है। हमें ज़रूरी है कि हम आ वैक्सीन अपनाएं। बहुत दुनिया मांग रही है वैक्सीन, आपको ये भी मालूम है, और किस तरह से इसके ऊपर जो देश नहीं बना पा रहे या अफोर्ड नहीं कर सकते, कैसे ये एक बड़ा इशू बना हुआ है इंटरनेशनल स्फीयर में। फॉल्स नैरेटिव को काटिए, पॉजिटिव नैरेटिव को चलाइए, जो अच्छी तरह से भले चंगे हैं वैक्सीन लेने के बाद उनको भी इलैबोरेट करिए, उनको भी मीडिया के सामने लाइए। ये हमें ख़त्म करना होगा। वैक्सीन हेजिटेंसी हैज़ टू एक्सटिंग्विश बिफोर द पेंडेमिक एक्सटिंग्विशेस।